नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मुनी कुशवा, खबर दिल्ली से। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अधीन चलने वाले गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में आज कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव मंजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे, जहां उनका स्वागत कॉलेज प्रिंसिपल और चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह ने किया। इस मौके पर कॉलेज के उन स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने वार्षिक उत्सव पर कल्चर फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। आइए सुनते हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव मंजिंदर सिंह सिरसा और चेयरमैन त्रिलोचन सिंह को। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के अंदर ये कल्चरल एनुअल फंक्शन है। यदा मकसद ये कि जोड़ा सा विरसा है, साड़िया रवायत ने, साड़ी माँ बोली आ और जड़िया परंपरा गुरु साहब ने सानू दित्तियां ने, उन्हां दे नाल पंजाब दा विरसे नू उभारना और पंजाब दी पंजाबीयत नू उभारना, ये एक मकसद आ और बहुत जरूरी आ किसी भी बच्चे वास्ते। जदों वो ये शिक्षा लेंदा है, जिहड़ी शिक्षा उसके दुनियावी जीवन के अंदर काम आनी और उसने आर्थिक तौर पर उन्हें संपन्न होना है, वो नाल नाल ये साडे विरसे दियाँ विरासत दियाँ और माँ बोली दियाँ जिहड़ी साडी बहुत वड्डा साडा महान विरसा है, ये साडी अगली आने वाली जनरेशन तक पहुँचे और उसके माध्यम तो एक कल्चर फेस्टिवल कराए जाते हैं। मैं बहुत वधाई दिंदा सरदार त्रिलोचन सिंह जी चेयरमैन साहब न, सरदार डॉक्टर जसविंदर सिंह जी प्रिंसीपल साहब न, और इन्होंने बच्चों जिन्होंने जिते अज गत्के की परफॉर्मेंस कीतियां ने, जिते अज शब्द कीर्तन के रूप के अंदर उन्होंने बहुत वड्डे इनाम जिते ने, उते ही भंगड़े के अंदर गिद्धे के अंदर, सो हर तरीके दे नाल एक बहुत वड्डा जेल करके प्रोग्राम पेश किया जाता है, जिदे नाल असीं अपने बच्चों इत्थे बड़ा वड्डा मनोबल उन्हों का वाधा और पंजाबीयत के अंदर उन्हों की होर शान। देखो मेरे वास्ते बड़ी फखर की गल है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जनरल सकत्तर के रूप अंदर मैं इतने सेवा निभा रहा और इस कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिते हर स्कूल अंदर कॉलेज अंदर ये यकीनी बनाया है कि इस तरह के कल्चर फेस्टिवल किए जाए, जिद असी अपनी भाषा अपने अकीदे अपने विश्वास को धार्मिक तौर पर कल्चरल तौर पर अगे असी वधा सकी, वास्ते ये उपराले जड़े ने यकीनी तौर पर अज एक रंग लिया रहे हैं। देखो ये हर साल खालसा कॉलेज ट्रेडिशन है कि खेडा कल्चर आर्ट ये कंपीटिशन होंगे, ना कि अपने कॉलेज के सारे दिल्ली के होर कॉलेज बुलाए जाते तो उन्होंने प्रेजेंटेशन होंगे। ये साड़ी एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट कल्चर स्पोर्ट्स अगे नहीं आएगा वो परफेक्ट स्टूडेंट नहीं बन सकता। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनीवर्सिटी का यूनीवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक बहुत अहम कॉलेज और पंजाबी प्रमोशन या अपने कल्चर की प्रमोशन साडा एक इनबिल्ट सिस्टम है। असी कल्चर पढ़ाई का भी है, पंजाबी लैंग्वेज भी पढ़ाई दी है, बाकी भी सारिया गल् करी दी और सानू जिम्मेदारी है दिल्ली यूनीवर्सिटी के वलों कि असी अपने कल्चर की अपनी भाषा की अपने साहित्य की गल करिए और उन्हां एक्टिविटीज़ दे विच ही ये बच्चों की ट्रेनिंग करवाई दी है और बच्चे फिर जड़ा फेस्टिवल दे विच अपीयर होंगे।
ये थी दिल्ली से अमित महाजन की रिपोर्ट, आप देखते रहें वॉइस ऑफ इंडिया।